बरेली में कोरोना जांच के सैंपल और डिब्बों को पैर से कुचलने के मामले में 300 बेड अस्पताल के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर सतीश चंद्रा पर गाज गिर गई। उन्हें प्रभार से हटाकर उनकी जगह डॉक्टर आर.एन. गिरी को 300 बेड अस्पताल का चार्ज सौंपा गया है। दरअसल 26 नवंबर को 300 बेड अस्पताल के एक बंद कमरे में कोरोना जांच के सैंपल मिले थे। इस मुद्दे को दैनिक अमृत विचार अखबार ने प्रमुखता से उठाया था। मामला खुलने के बाद तत्कालीन सीएमएस डॉक्टर सतीश चंद्र और डॉक्टर सीपी सिंह डिब्बो और सैंपल को पैरों से कुचल दिया ताकि सबूत को मिटाया जा सके, लेकिन इस दौरान किसी कर्मचारी ने सैंपल और डिब्बो को पैरों से कुचलते हुए उनका वीडियो बना लिया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सैंपल और डिब्बो को तोड़ने की खबर को अमृत विचार ने 14 दिसंबर के संस्करण में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद डीएम मानवेंद्र सिंह समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए डॉक्टर सतीश चंद्रा को प्रभारी सीएमएस के पद से हटा दिया, साथ ही वीडियो की जांच कराने के निर्देश भी दिए। वहीं अब तक डॉक्टर सीपी सिंह पर अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में डॉक्टर सीपी सिंह को दोषी मानते हुए सैंपल प्रभारी का चार्ज छीन लिया गया है। वर्तमान में डॉक्टर सीपी सिंह पर नोडल अधिकारी समिति समेत अन्य चार्ज है। वहीं इस मामले पर सीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह का कहना है कि विभाग की छवि धूमिल करने के लिए किसी कर्मचारी ने वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसने यह हरकत की है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए वो औचक निरीक्षण करेंगे। एक्चुअली 300 बेड अस्पताल में, अभी वो बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसके हैंडओवर न होने के कारण उसमें सैंपलिंग का कार्य शुरू से चलता रहता था। अभी मेरे कार्यकाल में एक अभी करीब 15 दिन पहले की 20 दिन पहले की बात है, उसमें सैंपलिंग ये चर्चा थी कि वहाँ सैंपल रखे गए जो कोई अभी जांच के लिए नहीं भेजे गए। तो मैं गया था, एडी साहब वहाँ पहले से मौजूद थे, तो मैंने देखा उसमें ताला पड़ा था एक कमरे में, ताला नहीं खुला था। लेकिन उससे पहले लोगों को जानकारी थी कि वो सैंपल रखे गए, तो विंडो से किसी ने उसके वो खींच के फोटो वायरल किए। जब मैंने ताला खुलवा के उसको देखा तो करीब 75 डिब्बे उसमें खाली थे, जो कि किस मंशा से रखे गए थे मैं समझ नहीं पाया। करीब 25 डिब्बे उसमें ऐसे जिसमें पुराने सैंपल थे जो नहीं गए थे, किसी ने ये साजिशन ये सब काम किया था, जिसके लिए उसको हम नहीं अभी खोज पाए कि कौन सा व्यक्ति था। लेकिन उसमें सैंपल जो है 90 या 95 सैंपल थे करीब, मेरे पास सूची है उसकी। आपको नहीं लग रहा है कि जो सैंपल जिनकी वैल्यू है अलग तरीके की देखी जाए वर्तमान कोरोना के सिम्टम्स में, उनको पैरों से नष्ट किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उनको पैरों से नष्ट किया जा रहा है, लापरवाही बढ़ती वो सैंपल का मैंने देखा, वीडियो देखा, उसमें कहीं से मोबाइल वायल कुछ नहीं है, केवल डिब्बे उसमें दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ का फोटो है, वो भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ का है, किस जगह का है। कि आपने एक ऐसे डॉक्टर को वहाँ पे इंचार्ज बना दिया जो सीबीआई की जांच झेल रहा है, क्या लगता है विभाग में ये चर्चा है कि उसको पैसे लेकर के चार्ज दिया गया? नहीं, आपका कहना बिल्कुल गलत है, उसको कोई चार्ज नहीं दिया गया, केवल उसको प्रशासनिक कार्य के लिए वहाँ रखा गया, वो कोई वित्तीय पावर उसको नहीं दिया गया, ना कोई वित्तीय पावर। आप कैसे दे सकते हैं जब ऑलरेडी क्योंकि जांच चल रही है, जांच के दौरान तो आप प्रशासनिक नहीं, उसकी नियुक्ति मेरे से पहले हुई है, मुझे उसकी जानकारी नहीं आई थी कि किस क्या जांच चल रही है। बहरहाल उस आदमी कोई ऐसा काम नहीं देगा जो कोई अनियमितता की श्रेणी में आता हो, कोई ऐसा काम उनको दिया नहीं, अगर कोई व्यवस्था मिल हो जाएगी तो उसको हटा देंगे। अगर कोई बड़ी नहीं, ये तो किसी ने साजिशन ये सब खुरापात कर रहा है, कोई इसकी वो नहीं है। तो नहीं, अगर कुछ मुझे जानकारी होगी तो मैं अवश्य कराऊंगा, कार्रवाई कराऊंगा।